अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पर भाजपा का तंज। भाजपा ने इस पर तंज कसा के मोहल्ले के नेताओं के मिलने से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं, दोनों आपस में समझौता भी कर ले तो भी फायदा होने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, ये भाजपा का तंज है। साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज भाई, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, 2024 के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के ख्वाब एकजुट हो रहे हैं और सबके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पल रहे हैं। इन्हें लगता है हम इकट्ठे होके लड़ेंगे, लेकिन जनता इकट्ठी हो गई है मोदी जी के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा जो पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हुआ। आम आदमी पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां हैं भ्रष्टाचार के मसले पर, उनके बहुत से नेता परेशान हैं, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म में लगे हुए हैं। पहले क्या क्या बोलते थे समाजवादी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल, क्या वो अखिलेश यादव से उन विचारों के लिए माफ़ी मांगेंगे? किसी की पैतृक सीट लोकतंत्र में होती है क्या? इसी फूलपुर से इलाहाबाद सीट कही जाती है, आज देखिए यहाँ से मैडम एमपी है। नहीं, हम तो चार क्लस्टर हैं जिसमें प्रयागराज है, फूलपुर है, प्रतापगढ़ है और अमेठी है। इन चारों सीट पर किसी न किसी एक नेता को आना था। मुझे इन चारों सीटों की जिम्मेदारी है। ये तो मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, वो उनकी पार्टी में वो क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं ये तो मुझे बताती नहीं है। वो तो कांग्रेस का ही कोई प्रवक्ता बताएगा, मैं क्यों बोलूँगा उसमें? वो किस पद पर रहें ना रहें ये तो उनकी मर्ज़ी है। अभी हमने राम मंदिर को हिंदुत्व को लिखा नहीं मुद्दा, हमारे विरोधी बनाते हैं वो मुद्दा। हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, अभी भी गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं, ये हमने काम करके दिखाया मोदी जी के नेतृत्व में। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी, 400 के करीब सीटें जीत सकती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। देखिए 2024 को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। नए मतदाताओं के बीच में पहला वोट मोदी अभियान चलाएगा भाजयुमो। भाजयुमो डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क के जरिए 20 लाख युवा लाभार्थियों से संपर्क करेगा, ये खबर है। बाइक यात्रा लेकर के हर मंडल, शक्ति केंद्र, गांव, मोहल्ले तक जाएंगे भाजयुमो के कार्यकर्ता। और 14 से 21 जून तक भाजपा युवा मोर्चा का बड़ा अभियान चलने वाला है। हर जिले के कॉलेज, कैंपस, कोचिंग सेंटर्स में युवाओं से संपर्क और संवाद किया जाएगा। 12 जून तक नए मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम भी चलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कई विधायकों को टिकट मिलना तय है, सूत्र बता रहे हैं। पूर्व से पश्चिम तक के कई भाजपा विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के तमाम मौजूदा सांसद के लिए अपने ही चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक लड़ना चाहते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसद पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर से दिनेश शर्मा और स्पीकर सतीश महाना के नाम की चर्चा सूत्र कर रहे हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कुशीनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का नाम भी सबसे आगे बताया जा रहा है। की तैयारी, भाजपा में टिकट की दावेदारी। यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कई विधायकों को टिकट मिलना तय है, ये बात भी सामने आ रही है। और साथ ही देखिए, पूरब से लेकर के पश्चिम तक के कई भाजपा विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हुए हैं। भाजपा के तमाम मौजूदा सांसद के लिए अपने ही जो है वो चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बात सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसद पर भारी पड़ रहे हैं। कानपुर से खबर ये है, कानपुर से दिनेश शर्मा
और स्पीकर सतीश महाना के नाम की चर्चा सूत्र कर रहे हैं। और साथ ही कुशीनगर से भी खबर है, कुशीनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का नाम सबसे आगे सूत्र रख रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही देवरिया सीट से भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी का नाम आगे चल रहा है, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। और बस्ती से पूर्व विधायक सीपी शुक्ला पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी। बाराबंकी से खबर है कि बाराबंकी से प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के नाम की चर्चा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपके सामने है। आप देखिए अपने ही किस तरीके से चुनौती बन रहे हैं मंत्रियों के लिए, ये बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी। 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने सम्मेलन और महासंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की गई है। भाजपा के सभी 7 मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन भी आज से शुरू हो रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली और कानपुर में रहेंगे, संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बांदा और फतेहपुर में सभी मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो ये पूरी तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की, आप देखिए किस तरीके से बीजेपी लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। महासंपर्क अभियान पहले से ही चल रहा है, आज से भाजपा के 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन शुरू हो रहा है और तमाम दिग्गज अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभालेंगे, इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कानपुर में रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जानकारी है। 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन, 7 मोर्चा सम्मेलन का मकसद क्या है ये आपको बता दें। 2024 को लेकर भाजपा का मेगा प्लान है। महासंपर्क अभियान के तहत 80 लोकसभा में तमाम कार्यक्रम होंगे और साथ ही 403 विधानसभाओं में भाजपा कार्यक्रम करने जा रही है। भाजपा के सभी 1918 मंडल में जीत की रणनीति है। 27,634 शक्ति केंद्रों में भी भाजपा का बड़ा अभियान ये चलेगा और 1,74,030 बूथ केंद्रों पर कार्यक्रम होना के 21 क्लस्टर्स बना करके भाजपा ये अभियान आगे बढ़ाएगी। 20 जून तक भाजपा के लोकसभा को लेकर अभियान चलने वाले हैं, तो अलग अलग हिस्सों में लगातार ये कार्यक्रम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 20 जून तक के कहा जा रहा है कि भाजपा के लोकसभा को लेकर यह अभियान है। और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के राहुल गांधी पर विवादित बयान पर सियासी उबाल है। आगरा में उन्होंने जहां राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, वहीं अखिलेश यादव सभी गुंडों का सरदार उन्होंने बताया था अखिलेश यादव को। केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कहा कि प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ ले, लेकिन सुपड़ा साफ होना तय है। पहले ही राहुल गांधी को दिए बयान को लेकर उबाल, अब प्रियंका गांधी को लेकर कहा है भले ही चुनाव कहीं से भी लड़े लेकिन हार ना तय है। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा देना। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा देना। समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों माफियाओं की पार्टी है, उसके सरदार श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल के रूप में इस प्रकार का बयान मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हो, उसके जवाब में दे रहा हूँ। उनकी मानसिकता ही यही है कि वो कैसे गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं बढ़ने देंगे। जो गुंडाई करेगा, अपराध करेगा, जमीन मकान दुकान कब्जा करेगा, जो दंगा करेगा, उसकी जगह जेल में है। निश्चित तौर से जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।